बारिश बहुत तगड़ा हो रहा है। तो हेलो गाइस, तौहीद मुस्तफ़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग है नवादा की सरजमी पर जलसा हो रहा है, और ये जलसा नवादा दरिया शाह बाबा और अंदर एक मोहल्ला है मुगला खार के अंदर शमसुल खैर मस्जिद के पास, ये देखिए मस्जिद है, वहीं पर हो रहा है। और क्या क्या काम हो रहा है तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए जलसा का काम जो हो रहा है, चोंगा उंगा लग रहा है, ठीक है, लगाने जा रहा है भाई लोग। और इधर डीजे वगैरह जो है आ चुका है, और उधर स्टेट लगेगा, बाकी सब झंडा उंडा लग चुका है इधर। आवाज़ जलसा है 18 तारीख को, अब बच्चे लोग एकदम सोच रहे हैं बैठ के। तो देखिए डीजे वगैरह काम सब प्रोसेस में लगा हुआ है, सब एकदम काम एकदम जोरों शोरों से लगा हुआ है, अभी कुछ काम हुआ नहीं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कहाँ तक काम हुआ है। तो ये देखिए स्टेट जो है वहाँ बनेगा, आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए स्टेट है, अभी तैयार नहीं हुआ है, ये सब तैयार होएगा तो आपको मैं दिखाऊंगा। फिलहाल अभी सब कुछ ये देखिए सामान उमान आ चुका है, और बारिश भी बहुत हो रहा है, जैसे कि देख सकते हैं भींगा होगा वो एकदम पूरा। ये देखिए अब काम चालू हो गया है और आज ही स्टार्ट होएगा जलसा। चलिए वीडियो में बने रहिएगा और दिखाता हूँ मैं आपको कि कौन कौन मुलाने आ रहे हैं। तो फाइनली यहाँ तक काम हो गया है जलसा का, ये जलसा हो रहा है नवादा का सरजमी से। ये नवादा का सरजमी बोले तो ये मोहल्ला मुगला खार का हो रहा है, आपको फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ कहाँ तक काम हुआ है। तो ये देखिए डीजे वगैरह लग चुका है इधर उधर, और पंडाल वगैरह भी लग चुका है, अभी इसमें काम और बाकी है, सब लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे हजरत लोग आ रहे हैं, दिखाऊंगा मैं तकरीर उन लोग का। तो ये देखिए काम अभी चालू है और यहाँ पे फूल वगैरह लगेंगे। हजरत बहुत ही खुशी और मसरत के साथ ये ऐलान किया जाता है कि आज ही बाद नमाज इशा मस्जिद शमसुल खैर के बगल में जश्न आमद रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनेकाद किया गया है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है जश्न आमद रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में पहुँच कर सवाब दारन हासिल करें। तो ये देखिए सब कुछ हो चुका है, बस फूल वगैरह बाकी है, और यहाँ ऊपर का थोड़ा काम बाकी है, वाटर ऊपर का काम थोड़ा बाकी है वाटरप्रूफ का, क्योंकि बारिश हो रहा है। नवादा के सरजमी पर जलसा तो होने वाला है, मगरिब हो चुका है, इंशाल्लाह ईशा के बाद स्टार्ट हो जाएगा। सब कुछ वगैरह रेडी तो हो चुका है, चेयर वगैरह आ चुका है, तो आप कौन कौन हजरात आ रहे हैं तो आपको दिखाऊँगा मैं। तो ये देखिए तिरपाल लग रहा है वाटरप्रूफ, इतना बारिश हो रहा है ना, धीमा धीमा हो रहा है पर बारिश हो रहा है। बहुत ही तगड़ा बारिश हो रहा है, देखिए ये जो तिरपाल दिख रहा है पंडाल का, ये लगने वाला नहीं था, बारिश के कारण लगा और लग गया ना ऐसा, देखिए गिर गार गया है दम पूरा, इतना बारिश दम पड़ रहा ना, पूरा इसमें भर जा रहा, भर के दम लोड नहीं ले पा रहा, गिर जा रहा। देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि बारिश छूटे छूटे, अभी 9 बजे 10 बजे का प्रोग्राम रखा गया है, अभी 8:20 हुआ है, अभी देखिए पानी छूटता है कि नहीं छूटता है, पूरा दम कचकी हिल हो चुका है। दिखाता हूँ कौन कौन हजरात आ रहे हैं, अभी बारिश के कारण तो अभी कोई नहीं आ पाए हैं, पूरा दम झंडा वगैरह लग चुका था, ये देखिए बारिश बहुत तेज हो रहा है, ये चेयर वगैरह उठा रहे हैं ये लोग, ऐसा लग रहा ना कि जलसा भी हुआ भी नहीं है, सब उठा के लगता है कि ख़त्म हो गया है।
अभी देखिए क्या होता है, बारिश छूटता है कि नहीं छूटता है, देखिए। रसूल से इसको कैंसर किया जाता है, फिर आगे तारीख देख करके फिर आपको तारीख बताई जाएगी। बहुत बारिश होने के कारण ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है जलसा का। ये देखिए पंडाल वगैरह सब बारिश के कारण गिर गया है। ऐसा तो पहली बार ही जलसा करा रहे थे सब लोग, भाई लोग वगैरह करा रहे जलसा सब मिल के लड़का लोग। बहुत ही कैंसिल हो गया है, बहुत अफसोस लग रहा है, मगर ये जलसा होएगा। डीजे वगैरह जितना था सब उतार दिया गया है, सब रखा गया है। क्या करें, इतना बारिश हो ही रहा था। चलिए देखते हैं, इंशाल्लाह रहमान जरूर होगा जलसा।